बच्चे बोर्ड पे लिखे ये लेटर्स को देखिए, सी डी ई एफ जी ए बी सी। अगर आप यहां से शुरू करके यहां तक बजाते तो उन नोट्स को हम सी मेजर स्केल बोलते हैं। अब सी मेजर स्केल को प्ले करने के लिए राइट हैंड का फिंगर्स अलग होता है, लेफ्ट हैंड का फिंगर्स अलग होता है। ऊपर मैंने राइट हैंड के फिंगर नंबर्स लिखे हुए हैं, फिंगर 1 ऑन सी, 2 ऑन डी, 3 ऑन ई, उसके बाद फिंगर 1 ऑन एफ, फिर 2 ऑन जी, फिंगर 3 ऑन ए, फिंगर 4 ऑन बी, फिंगर 5 ऑन सी। आर एच का मतलब है राइट हैंड, एल एच का मतलब है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के फिंगर नंबर्स मैं आपको बताता हूँ, फिंगर 5, 4, 3, 2, 1, फिर दोबारा से वी कम बैक टू फिंगर 3, उसके बाद फिंगर 2 और फिर फिंगर 1। मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोनों हाथ के थम्स फिंगर नंबर 1, फिर हम जब उन फिंगर से दूर हटते हैं ये फिंगर्स दोनों हाथ में है फिंगर नंबर 2। कौन सा फिंगर नंबर? फिंगर नंबर 2, फिर उसके बाद फिंगर 3, उसके बाद फिंगर 4, फिंगर नंबर 5। अब हम सीखेंगे सी मेजर स्केल, पहले हम सीखेंगे राइट हैंड। सर ये दो ब्लैक कीज जो हैं इनके जो सबसे लेफ्ट में है एकदम, दैट इज सी, सी के बाद डी, फिर डी के बाद ई, ई के बाद एफ, जी, ए, बी, सी। फिंगर 1, 2, 3, फिर बैक टू फिंगर 1, 2, 3, 4, 5। अब हम लेफ्ट हैंड से सी मेजर स्केल बजाना सीखेंगे। लेफ्ट हैंड के फिंगर नंबर मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूं, फिंगर 1, 2, 3, 4, 5। अब सबसे पहले हम रखेंगे फिंगर नंबर 5 को सी पे, सी, फिर उसके बाद डी पे जाएंगे फिंगर नंबर 4, फिर आगे बढ़ेंगे फिंगर 3 से, फिर फिंगर 2, फिर फिंगर 1, उसके बाद फिंगर 1 के बाद हम अपना फिंगर 3 को ऐसे ऊपर से लेके आएंगे और हम नेक्स्ट की प्रेस करेंगे, उसके बाद फिंगर 2 और लास्ट में फिंगर 1। फिंगर 5 ऑन सी, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1। ये था लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड देखिए, फिंगर 1, 2, 3, उसके बाद फिंगर 1, फिर फिंगर 2, 3, 4, 5। ओके,